नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, नाम है एडवोकेट सौरभ जैन। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। अक्सर हमारे यहां पर बहुत एडवोकेट आते हैं, लेकिन आज एक और इंटेलेक्चुअल पर्सन मौजूद हैं। एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे और मामला जुड़ा हुआ है कोर्ट से ही। दिल्ली में 5 नए कोर्ट बनाने की घोषणा हुई है, यानी कि दिल्ली में अब जो कोर्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। 5 और कोर्ट नए बनाए जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर अपना करियर भी बनाएंगे, आगे काम भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एडवोकेट्स के लिए कुछ सोचा नहीं गया है, जिस पर चर्चा करने के लिए सौरभ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार सर। सर, एक ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट का केस का नाम है मलिक मजार सुल्तान वर्सेस यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जजमेंट आई 11 दिसंबर 2023 को, पहला ऑर्डर आया। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से मीटिंग कन्वीन करने को कहा, जीएनसीटीडी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से और सेक्रेटरी फाइनेंस से, कि 4 नए कोर्ट्स फंड्स जो सैंक्शन किए जाए 4 नए कोर्ट्स के लिए किए जाए, और इनको कहा कि मीटिंग कन्वीन करें इन 4 अथॉरिटीज से 12 तारीख को। 11 तारीख की जजमेंट थी, 12 तारीख को मीटिंग कन्वीन की। 12 तारीख को मीटिंग कन्वीन की गई, उसमें जो एजेंडा था वो यही था कि 4 न्यू कोर्ट्स के लिए फंड्स और टाइमलाइन घोषित हो। अब जब 12 तारीख को मीटिंग हेल्ड की, उसमें 26 जनवरी 2024 को तक चारों कोर्ट्स का आपको सारे जो इश्यूज थे, शास्त्री पार्क, चार कोर्ट्स बनने को पहले कहा था, शास्त्री पार्क, डिस्ट्रिक्ट सेंटर शास्त्री पार्क पर, कड़कड़ूमा, राउज एवेन्यू, और चौथा था रोहिणी सेक्टर 26। 4 न्यू कोर्ट बने उसमें। मगर जब एजेंडा आया उसमें 2 नई बिल्डिंगों की और बात हुई। उसमें हुई सेक्टर 6 रोहिणी, जिसमें और कोर्ट्स बनेंगे, और एक हुई तिरकी खुर्द, उसमें सेंट्रलाइज्ड डिजिटलाइजेशन सेंटर बनेगा रिकॉर्ड रूम के लिए और पूरा डिजिटाइजेशन सेंटर बनेगा। तो ये 6 बिल्डिंग्स बननी है। उसमें कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14 तारीख को टाइमलाइन भी कर दिया। कि टाइमलाइन मैं आपको बताता हूं कि मार्च 2024 तक वर्क अवार्ड भी हो जाएगा और 26 जनवरी 2024 को टेंडर भी फ्लोट हो जाएंगे। तो टाइमलाइन भी, और ये भी इन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर कर दिया कि जो ये कोर्ट्स बन रही है वो 2 साल के अंदर बिल्डिंग्स बन जाएंगे। ठीक है, मगर पूरे ऑर्डर में कहीं वकीलों के लिए सिटिंग के लिए, वकीलों के चैंबर्स के लिए कोई बात नहीं कही गई। अब एडवोकेट, सबसे पहले तो एक स्टीफन्स के पास बिल्डिंग है, स्टीफन्स के पास लैंड है, मोरी गेट के पास लैंड है, वो 30,000 के बिल्कुल पास है, तो बिल्डिंग यहां बन जाती, यहां बिल्डिंग बनती, और उसमें आपके बिल्कुल जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स है वहां चैम्बर्स भी है, तो वहां से एडवोकेट्स के लिए बहुत आसान होता। जो एडवोकेट है वो इंटीग्रल पार्ट है जुडिशियल सिस्टम का, और लॉ भी यही कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, वो ऑफिसर्स है कोर्ट के, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। सेकेंडली, अब एक वकील कितनी जगह केस अटेंड करने जा सकता है, पहले ही बाइफिकेशन इतना हो चुका है, अब और कोर्ट्स अगर बाइफिकेट करेंगे या कोर्ट्स एडिशनल अलग जगह पे बनाएंगे तो एडवोकेट्स के लिए बहुत परेशानी है। आपने तो इसको लेकर सवाल जवाब किसी से किया, पूछा, कोई नोटिफिकेशन आपने इस पर चर्चा की, या जहां से इशू हुआ? जी, ये मैंने सबसे पहले, मैंने जब ये मैंने ऑर्डर पढ़ा
11 तारीख का ऑर्डर था, 11-12 का, तो मैंने 12 तारीख को ही मैंने मैसेज फ्लोट कर दिया अपने फेसबुक के माध्यम से, और मैंने वीडियो भी बनाई, वो भी मैंने बार के लीडर्स को भी मैंने फॉरवर्ड की, उसमें टैग भी किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैंने अपने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली बार एसोसिएशन को ईमेल भी किया कि ये इशू उठाया जाए, और ये इशू बहुत जरूरी है वकीलों के लिए, क्योंकि अगर ये समय के वक्त, इस समय ही, क्योंकि बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, अगर बिल्डिंग बन जाती है तो उसके बाद आवाज उठाने का फायदा नहीं होता है, बिल्डिंग से पहले बनने से ही हमें प्रोविजन अलॉटमेंट के लिए या अभी उसे प्रॉपर माध्यम से हमें रोकना पड़ेगा या हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। एक और इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की है दिल्ली में, वो 2 करोड़ है और सारे में अनलिमिटेड है। 2 करोड़ भी हमने जब आवाज उठाई थी, जब आई थी, जब इतने कोर्ट्स बन रहे हैं, जब आप इतने कोर्ट्स आप ऐड कर रहे हैं, आप 5 बिल्डिंग्स नहीं बना रहे हैं, तो आप 2 करोड़ से आप अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन नीचे क्यों नहीं लाते? अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन से स्पीडी ट्रायल होगा, जिससे पब्लिक को फायदा होगा। नहीं तो अगर आपका हाईकोर्ट में केस चलता है तो उसकी पेंडेंसी बहुत लंबी हो जाती है। जब आप इतने कोर्ट्स बना रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट सिविल केसेस की आए, क्योंकि फिर आपका पब्लिक को भी फायदा होगा, पब्लिक के, क्योंकि हमारी इंडियन जुडिशियरी में टाइमलाइन सिस्टम बहुत बहुत खराब है। क्या चीज है, एक मैक्सिम था, जस्टिस डिनाइल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइल, ये मैक्सिम था। तो अगर आप इतने कोर्ट्स ला भी रहे हैं तो हमारी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हमें पूरी दे दे नीचे, जो सारी स्टेट्स में है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। अगर आप यूपी में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, तो सारी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ही है। सर ये इश्यूज है, और इस इंटरव्यू के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज उठाना चाह रहा हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो हमारे और बार लीडर्स है, जो पब्लिक है, ये आवाज उठाए कि सबसे पहले एडवोकेट्स ये उठाए कि चैम्बर ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर चैम्बर ब्लॉक बनेगा तो एकदम पब्लिक को भी फायदा होगा, सिर्फ एडवोकेट्स को फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह एक एडवोकेट जाता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और फिर वो अपनी फीस में ऐड कर देता है, और वो फीस में ऐड करता है, वो फीस का बर्डन होता है पब्लिक पे। उसके बाद जब आप एक जगह बैठे हो तो वो आप काम इजीली कर सकते हो, क्या उसमें से आप एकदम कोर्ट जा सकते हो, उसके आप कोर्ट से क्वेरी एकदम कर सकते हो, मगर वहां बैठने का सिस्टम ही अगर नहीं होगा फिर तो नहीं। आप दिल्ली बार एसोसिएशन जो भी आपके प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस बात पर अभी कोई एक्शन लिया नहीं है, इंडिविजुअली आप खुद ही सामने आए हैं। हाँ, अभी दिल्ली बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के लीडर्स, अभी इतना उन्हें जानकारी नहीं हो पाई, या वो अभी आवाज अभी उठाई नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो बहुत जरूरी है, एक वकील समाज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि एडवोकेट्स के लिए इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके और ये बिल्डिंग अलॉट की जाए उन्हें भी, जब ये बने। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं, अगर ये बिल्डिंग बने तो ये बने जो 30 जारी के पास वैकेंट लैंड है, उसमें बने, पार्किंग बने, पार्किंग के ऊपर आप नीचे पार्किंग बना दो, ऊपर कोर्ट बना दो, आप फ्लोर्स बना लो उस बिल्डिंग में, आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, तो वो 20 फ्लोर का एक आप 10-15 फ्लोर के आप बिल्डिंग बना लो, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आओ, उससे एडवोकेट्स को भी आसान नहीं रहेगी और एक ही जगह बिल्डिंग बनेगी, यूनिफाइड होगा। सेकेंडली मैं चाहता हूं, अगर बने भी तो चैम्बर अलॉटमेंट जरूर हो। बिल्कुल नहीं, ये जरूरी भी है, क्योंकि जो कोर्ट का सारा काम है और जो पब्लिक का डील है, वो सारी वो एडवोकेट्स करते हैं, और एडवोकेट्स को अगर बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा, सब प्राइवेट चैम्बर खरीदने पड़ेंगे, आसपास खरीदने पड़ेंगे, जो कि ज्यादा महंगे होंगे दिल्ली सिटी में। तो यहाँ पर सौरभ जैन जो एडवोकेट्स है दिल्ली में, तो इन्होंने मांग रखी है कि अगर बिल्डिंग बन रही है कोर्ट, तो एडवोकेट्स का ध्यान रखा जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, दिल्ली बार एसोसिएशन के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं,
और जिसके बार भी है, शादरा बार भी, जो राउज एवेन्यू, हर हमारे कोर्ट में अलग बार है, हर बार को आवाज उठानी पड़ेगी, हमारी बार काउंसिल जो यूनिफाइड बॉडी होने की। जी शुक्रिया सौरभ भाई हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसी और एपिसोड में फिर इनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, हिंदी वॉइस देखते रहिए।